दोस्तों मेरे पास ये मोटर एक आई है, इसका जो पंप है खुश्क चलने की वजह से मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो गया है। तो आज मैं इसका जो पंप है ना, इसको रिपेयर जो करने का पूरा तरीकाकार है वो आपको बताऊंगा। ये मोटर मेरे पास है JD 1.5 kW की। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके जो जितने भी इम्पेलर हैं ना, इनको एक एक करके निकाल लेना है। अगर ये कोई बुश वगैरह ना निकले तो आप रेती की मदद से वहाँ पर रेती लगाकर उसको निकाल सकते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको आपने रहने देना है। इसका अगर बुश और रबर ठीक हो तो फिर ये ठीक है। और ये जो अब है ना, जो ख़राब इम्पेलर होता है, इसकी जो ये धारी होती है ना, ये घिसी हुई होती है, तो ये इसलिए नीचे लगता है। तो अब ये जो ठीक इम्पेलर है ना, तो इसका जो है दरमियान में वक्फा होता है। तो इसकी एक साइड है ना, जहाँ पर इसको थोड़ी सी चाल होती है, वहाँ ये इसकी सीधी साइड है। इस तरह एक एक करके आपने सारे सीधे करके रख लेने हैं। अब आपने ये करना है कि एक एक इम्पेलर जो है ना, वो इस तरह राड के अंदर डालें, और एहतियात करें कि कोई भी इम्पेलर जो है वो उल्टा ना डल जाए। उल्टा अगर आप इस तरह डालेंगे तो क्या होगा कि एक भी इम्पेलर अगर उल्टा डाल गया तो ये मोटर पानी नहीं उठाती। एक एक इम्पेलर के साथ एक एक वाशल रखें इस तरह। पहले ही लगाने के लिए अंदर की पड़ा लगी है।
इस मोटर के अंदर 18 इंपेलर होते हैं, तो 9 इंपेलर आप नीचे डालें ना, उसके बाद ये है कि इसका जो बुश होता है ना वो इसको इसके ऊपर आता है। तो बुश को आप सबसे पहले चेक करें कि जो इसकी वायर वाली है ना वाशल, उसमें इसको चाल तो नहीं है इस तरह। अगर चाल है तो आप इसको नई वाशल के साथ रिप्लेस कर दें। लॉक नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे बार बार फोकस नहीं करना। शॉर्ट जी वैन थोड़ी सही नहीं। हां सभी इम्पेलर डालने के बाद लास्ट पे इसका जो बुश है ना उसको लगा दें, और उसके ऊपर जो इसका पेज होता है ना नट, उसको टाइट कर दें। Okay.